हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड मास रूल की। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप चाहे क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो, आप वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हैं ये क्वेश्चंस, ये पहला क्वेश्चन इतना हार्ड लग रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, और ये लास्ट क्वेश्चन देख के तो बस खत्म। क्या क्या दे दिया है इसके अंदर, तीन तरह के तो ब्रैकेट दे रखे हैं, और फिर ये ऑफ क्या होता है, और बाकी डिवाइड सब कुछ है। तो गाइज, यही आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग सारे जो भी क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर सब कुछ घुसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन सब बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए जानते हैं ये बोर्ड मास होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो गाइज, ये है बोर्ड मास की फुल फॉर्म, चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, बी। तो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट जो ब्रैकेट होते हैं ना वो भी थ्री टाइप्स के होते हैं। लेट मी राइट इट हियर, ऐसे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहला होता है हमारा बिग ब्रैकेट, सेकंड इज कर्ली ब्रैकेट, एंड थर्ड इज स्मॉल ब्रैकेट। जिसको हम लोग पेरेंथीसिस भी बोलते हैं। तो गाइज, जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स मिलेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, वो ब्रैकेट। और जब भी अगर आपको ये तीनों ब्रैकेट दिख रहे हैं तो हम सबसे पहले सॉल्व क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। हमको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। तो आई थिंक आपको ब्रैकेट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ओ। तो ओ का मीनिंग होता है ऑफ या फिर ऑर्डर। तो गाइस, ये जो ऑर्डर है इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर जो नंबर है अगर उसकी कोई पावर या फिर एक्सपोनेंट है, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है रूट फोर, वन की पावर टू, या फिर नाइन क्यूब रूट थ्री, मतलब जब भी आपको कुछ एक्सपोनेंट में दिया हुआ है तो वो हमारा क्या सॉल्व होता है, सेकंड नंबर पे, मतलब ब्रैकेट के बाद। तो क्या मतलब हो गया ऑर्डर का, पावर या फिर एक्सपोनेंट। और ओ का मतलब ऑफ भी होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो हमें सबसे पहले सॉल्व क्या करना है, ब्रैकेट, देन ऑर्डर जिसका मतलब होता है पावर या फिर एक्सपोनेंट, या फिर हम लोग ऑफ बोल सकते हैं जिसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अब हमें उसके बाद क्या है, डी। डी फॉर डिवीजन, तो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेट मी राइट इट हियर ऑल्सो, डिवीजन, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, एम। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, देन ए। ए फॉर एडिशन, एंड एस। एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब ये जो बोर्ड मास की गाड़ी है ना, ये लेफ्ट टू राइट चलती है, मतलब हम लोग सबसे पहले सॉल्व क्या करते हैं, बी फॉर ब्रैकेट, देन ओ फॉर ऑफ या फिर ऑर्डर, देन डी फॉर डिवीजन, देन एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, देन ए फॉर एडिशन, एंड देन एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आई थिंक अब आपको बोर्ड मास रूल समझ में आ गया होगा। अब जो हमने पहले क्वेश्चंस लिए थे हम उनको जल्दी से अच्छे से समझ लेते हैं, तब तक मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। तो गाइज, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 5 × 10 / 2 + 3 − 6। चलिए देखते हैं इस बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट। तो इसके अंदर कोई ब्रैकेट तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको स्किप कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ओ, दैट इज ऑर्डर या फिर ऑफ, वो भी यहाँ पे नहीं तो उसको भी स्किप कर लेते हैं। अब क्या है, डी फॉर डिवीजन, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, चलिए कर लेते हैं।
फाइव को ऐसे ही नोट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई को भी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। ये ध्यान रखना है कि जो साइन मतलब जो भी साइन था यहाँ पे, साइन किसका था, मल्टीप्लाई का, वही इधर आएगा। अब इसको नोट कर लेते हैं, +3 - -6। अब इसके अंदर हो गया डिवाइड तक, अब उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, तो कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 5 - 5 = 25, 25 + 3 - 6। तो गाइस अब तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, और पहले लग रहा था कि क्या है ये, सब कुछ एक ही क्वेश्चन के अंदर आ गया है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, तो क्या हो जाएगा, 25 + 3 = 28, then - 6। अब तो सिर्फ यही बताए तो यही सॉल्व होगा, तो क्या हो जाएगा, 28 - 6 = 22। इसका आंसर क्या आ गया, 22। तो गाइस है ना इजी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, तो मैं इसको रेज कर लेती हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल। तो गाइस इसके अंदर क्या हो रहा है, 11 + (8)/2 + 4 + -6। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो गाइस हम लोग हर क्वेश्चन अलग अलग लेवल के ले रहे हैं, पहला वाला हमारा इजी लेवल था और अब थोड़ा थोड़ा हाई होता जा रहा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट, अब इसके अंदर तो ब्रैकेट आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, लेट्स सॉल्व इट। हम गाइस क्या हम लोग ब्रैकेट के अंदर पहले कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड या फिर एडिशन, तो नहीं, हमको ब्रैकेट के अंदर भी ये बोर्ड मास रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो डिवाइड पहले आता है या फिर एडिशन, डिवाइड, तो इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवीजन। तो क्या हो जाएगा, 8 / 2 = 4, पे क्या हो जाएगा, 4 + 4 (close - 6) 11+। अब क्या हो जाएगा, 4 + 4 = 8। अब इसको इधर लिख लेते हैं, अब तो कोई ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है बिकॉज सॉल्व हो चुका है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी, तो पहले क्या होगा देखते हैं, पहले क्या आता है, सब्ट्रैक्शन है फिर एडिशन, एडिशन, तो इसलिए पहले क्या हो जाएगा, एडिशन। तो क्या होगा, 11 + 8 = 19, अब क्या आ जाएगा, 19 - 6। अब तो सिर्फ यही बचा है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, 19 - 6 = 13, तो इसका आंसर क्या आ गया, 13। अब तो आपको ये समझ में आ रहा होगा और बहुत इजी भी लग रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आपको एग्जांपल सॉल्व करने के बाद तो बिल्कुल आप बोर्ड मार्क्स रूल में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है, 30 / 5 + 5, that is small bracket, 5 × 6, small bracket close, then 19 + 4. चलिए देखते हैं अपना रूल और सॉल्व करते हैं। तो क्या इसके अंदर कोई ब्रैकेट है, बिल्कुल। वैसे इस ब्रैकेट का नाम क्या होता है गाइज, याद है ना आपको, स्मॉल ब्रैकेट। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, इसको नोट कर लेते हैं ऐसे ही, 30 / 5 + 5। अब गाइस सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30। अब गाइस इसके बीच में साइन किसका आएगा, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो गाइस जब भी दो ग्रुप्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए यहाँ पे साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई का, बिकॉज ये ग्रुप हो गया 5 × 6 और ये ग्रुप है 5, और इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, या फिर आप लोग इसको ऑफ बोल सकते हैं, जिसको लिखा नहीं है। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन मल्टीप्लाई का +4। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई भी है, जो भी है, मतलब सबसे पहले देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, डिवाइड, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, 30 / 5 = 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 + 5 × 30
इंटू 19 प्लस 4। अगर आप लोग चाहें तो इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने दोबारा लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, बिकॉज डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 150। और 150 इंटू 19, लेट्स डू 95 जा 45, 13, 150, 0582850। तो क्या आ गया, इन तीनों को सॉल्व करने पे 2850 प्लस 4। अब तो ये तीनों ही किसमें हैं, प्लस में, मतलब एडिशन करना है, तो पहले किसी को भी कर सकते हैं। तो 6 प्लस 4 10, तो 2850 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 2860। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2860। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, लेट्स इरेज इट। तो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसके अंदर बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, डिवीजन, ऑफ, एडिशन, सबट्रैक्शन, सब कुछ है, कुछ भी छूटा नहीं है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा सॉल्व, ब्रैकेट्स। अब बट इसके अंदर तीनों ब्रैकेट्स आ गए, तो कौन सा पहले होगा, मैंने आपको बताया था ना, हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट। तो ये रहा स्मॉल ब्रैकेट और ये भी, तो इसको हम लोग साथ में लेके सॉल्व कर लेते हैं। टू साथ में मतलब यहाँ इसको सॉल्व करते चलेंगे, यहाँ पे इसको, चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं इतने पार्ट को, 30 डिवाइडेड बाई 3। अब सेम इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दो ग्रुप्स के बीच में साइन नहीं होता, तो क्या हो जाता है, साइन किसका आता है, मल्टीप्लाई का। तो इसलिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5, ब्रैकेट क्लोज। अब तो कोई नीड नहीं है राइट करने की स्मॉल ब्रैकेट, से मैं इसको हटा दिया है। अब इसको -5 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 3 माइनस। अब गाइस इसके अंदर इसी स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन और ऑफ। सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, चलिए देख लेते हैं, ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑफ। तो इसलिए सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या होता है, आपको बताया था ना मैंने, मल्टीप्लीकेशन। चलिए कर लेते हैं इसको भी, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 6 मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 12। अब बट 12 किसका आएगा, प्लस का या फिर माइनस का, याद है ना आपको, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से, तब क्या आता है हमारा आंसर, नेगेटिव। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, -12। ध्यान रखना है, अगर जरा सी मिस्टेक हो गई साइन में तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर ब्रैकेट यूज करते हैं। अब क्वेश्चन 2 इसको भी साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 3 10, 10 इंटू 5 -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी, तो पहले क्या होगा, एडिशन, बिकॉज एडिशन पहले आता है। तो 4 प्लस 3 7 -12 अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई बचा तो कर लेते हैं, 10 5 जा 50 -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ भी क्या है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो अब सॉल्व करते हैं, क्या है, 7 माइनस 12, तो क्या आएगा, 12 माइनस 7 5। अब गाइज यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, बिकॉज हम लोग माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं छोटे नंबर से बड़े नंबर को। अब गाइस हम लोग दो साइन को कभी भी साथ में नहीं लिखते, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें, स्मॉल ब्रैकेट। इसको ऐसे लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज हम लोग कभी भी किसी कोई भी साइन हम लोग दो साथ में नहीं लिख सकते। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, इसलिए पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन पहले आता है। सॉल्व कर लेते हैं, 50 क्या है, -5 इंटू -5, तो
5 5 5 5 जो क्या हो जाएगा 25। अब साइन किसका आएगा? प्लस का, बिकॉज जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सेम साइन को तब क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट। ब्रैकेट क्लोज, 2 है। अब यहां क्या है, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 50 प्लस 25 75। अब 2 इंटू 75 क्या हो जाएगा? 150। इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? 150। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ओनली अपने पूरे फोकस से सॉल्व करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ। लेट्स इरेज इट गाइस। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसके अंदर मैंने दो दो ट्विस्ट करे हैं। पहला ट्विस्ट, यहाँ पे ये कुछ लाइन है पता नहीं क्या है, और दूसरा यहाँ पे ये ऑफ और डिवाइड साथ में है। तो गाइस मुझे पता है आप लोग क्या करेंगे, 2 2 4 कर देंगे और फिर 2 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस। बट ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहाँ पे ऑफ है। ऑफ क्या होता है? ओ पहले आता है और डिवाइड बाद में आता है, इसलिए हम लोग ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे होता 6 × 4 / 2, तब बिल्कुल हम लोग पहले डिवाइड करते फिर मल्टीप्लाई करते, बिकॉज डिवाइड पहले आता है मल्टीप्लाई बाद में आता है। बट यहाँ पे क्या है, ऑफ है, ऑफ डिवाइड से पहले आता है, इसलिए हम डिवाइड बाद में करेंगे और ऑफ पहले करेंगे। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाले को। अब हम समझते हैं ये लाइन क्या है। तो गाइस इस लाइन को हम लोग बोलते हैं विनकुलम या फिर बार। तो गाइस बहुत लोग इसको वी बोर्ड मास भी बुलाते हैं। वी का मतलब क्या होता है? विनकुलम। तो गाइस ये जो लाइन होती है ये एक सेपरेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये लाइन क्या है, इस 4 - 3 का एक ग्रुप रिप्रेजेंट कर रही है सेपरेट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं जरा हटा देती हूँ, यूज ब्लू मार्कर। अब गाइस चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इस 7 को नोट कर लेते हैं। अब मुझे पता है आप लोग क्या करेंगे, -4 - 3 - 7 आ गया, खत्म। बट ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये जो बार है या फिर विनकुलम है ये देखें आप ध्यान से तो 4 - 3 के ऊपर है, माइनस इसके अंदर नहीं आ रहा है, ओनली 4 - 3 है, मतलब 4 - 3 सेपरेट है, तो इसलिए हम लोग उन्हें ही सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 - 3 - 1, यहाँ पे नोट करेंगे माइनस को इधर 1। तो गाइस ध्यान से देखना है कि ये बार किधर आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब तो मैं आपको बता दिया ना पहले ऑफ सॉल्व होगा, कर लेते हैं 6 × 4 = 24, बिकॉज ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, 6 × 4 = 24, देन डिवाइड 2। मैंने इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया, अगर आप लोग चाहें तो नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करें, बिकॉज ये वी सबसे पहले आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है और डिवीजन है। पहले क्या होगा? डिवीजन। चलिए कर लेते हैं 7 - 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा 24 / 2 12। अब यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, तो पहले क्या होता है, एडिशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐड। तो गाइस हम लोग ऐड करने से पहले सेम साइन वाले नंबर्स को साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 12 किसका है? प्लस का, और ये 1 माइनस का। अब बट ये 7 किसका है? प्लस का। जब भी कोई साइन है तो उसका मतलब क्या होता है? प्लस। तो हम लोग इन 7 और 12 को साथ में कर लेते हैं, बिकॉज दोनों क्या है? पॉजिटिव। -1 को इधर कर लेते हैं, तो उससे हम लोग अप्लाई करेंगे बोर्ड मास और ऐड कर देंगे इनको। 7 + 12 = 19 - 1, इसका आंसर क्या आ गया? 18। तो गाइस आई थिंक अब तो आपको बोर्ड मासूल पूरा बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इसको समझ पाए। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इंटीजर्स की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ से देख लीजिए, उसमें हमने आपको पूरा साइन का कॉन्सेप्ट समझाया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।